बेटी के लिए पुरानी साइकिल खरीदने गया ये ऑटो वाला था, खाते में 3 अरब रुपए देख रह गया हैरान। अपनी मासूम सी बेटी के लिए महज 300 रुपए में घिसे टायर वाली एक साइकिल खरीदने के लिए पिछले एक साल से पैसा जमा करने वाले एक रिक्शा चालक के खाते में जब अचानक 3 अरब रुपए पहुंच गए तो वो रिक्शा चालक दंग रह गया। सबसे अधिक हैरानी की बात तो ये थी कि काफी वक्त से रिक्शा चालक अपने इस खाते का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था। दरअसल ये मामला है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। यहाँ एक ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद रशीद मनी लॉन्ड्रिंग का शिकार बन गया। अपने बैंक खाते में अचानक से इतनी अधिक धनराशि देखने के बाद रिक्शा चालक थर थर कांपने लगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कसम खाई है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाएंगे। रशीद को जब पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास से कॉल गई तो वो घबरा गया और छिपने की तैयारी करने लगा, लेकिन फिर उसके घर वालों और रिश्तेदारों ने उसे समझाया तो वो जांच एजेंसियों को जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हो गया। आपको बता दें कि बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान में इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। होता ये है कि किसी गरीब व्यक्ति के खाते में अचानक से मोटी रकम आ जाती है और फिर कुछ ही वक्त में हस्तांतरित भी हो जाती है। दावा किया जा रहा है कि इसी तरह करोड़ों डॉलर पाकिस्तान से घपला करके बाहर पहुंचाए जा रहे हैं। जांच के बाद रशीद इस मामले में पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुका है, लेकिन वो अब भी बेचैन है।